SMB Build Mart Solutions, मजबूत इमारत के साथ मजबूत इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ड्यूरेबल सैनिटरी पाइप्स और ब्रांडेड बाथ फिटिंग भी जरूरी है। क्रॉम्पटन के पंखे और गीजर, GM के स्विचेस और लाइट फिटिंग और कजारिया की बाथ फिटिंग होलसेल और रिटेल रेट्स पर उपलब्ध। SMB Build Mart Solutions, दिल्ली गेट पुलिस कंट्रोल रूम के पास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। गरबा पंडाल में माता के दरबार में लघु शंका मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर मधुमक्खियों ने किया हमला, आनन फानन में इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल। प्रतिभावान छात्राओं को वितरित करने के लिए आई स्कूटियां खुले में पड़ी, हो रही है कबाड़। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। और गोगुंदा के सायरा में पेंथर पर ग्रामीणों ने किया हमला, वन कर्मियों की लापरवाही आई सामने। उदयपुर के सुथारवाड़ा स्थित गरबा पांडाल में एक व्यक्ति द्वारा लघु शंका करने का मामला सामने आया है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है। आरोपी की पहचान करने के साथ उसके खिलाफ पुलिसी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे शख्स पर पूर्व में भी अशोभनीय हरकत करने का आरोप है। उदयपुर में स्थित एक पांडाल में माताजी के दरबार में खुलेआम लघु शंका करता हुआ एक शख्स कैमरे में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति इसी क्षेत्र में रहने वाला है, पूर्व में भी इस दरबार में अशोभनीय हरकत कर चुका है। सीसीटीवी में सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर मधुमक्खियों का अटैक होने की जानकारी सामने आई है। मधुमक्खियों ने शिक्षा मंत्री के साथ कई लोगों पर डंक मारा है। आनन फानन में शिक्षा मंत्री अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान उनका ब्लड प्रेशर भी काफी हद तक बढ़ गया था। घटना चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में बताई गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के भैसरोड़गढ़ पंचायत समिति का निरीक्षण करते समय मदन दिलावर पर मधुमक्खियों के हमला करने की खबर है। मधुमक्खियों के हमले के बाद आनन फानन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर लोग उन्हें अस्पताल पहुंचे। मदन दिलावर का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मदन दिलावर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था। शिक्षा मंत्री भैसरोड़गढ़ क्षेत्र के दौरे पर थे। मंत्री मदन दिलावर श्रीपुरा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे, उसी दौरान ये घटना हुई है। इतना सारा चिल्लाओ मत, ये लो वाइटेक्स लिक्विड डिटर्जेंट, काम जल्दी और आसानी से होगा, कीमत कम, काम में दम, कपड़ों की लाइफ बढ़ाए, आपके बजट में आए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के गोगुंदा में पेंथर से मुक्ति दिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे प्रशासन के चलते अब ग्रामीणों ने खुद ही हथियार उठाने का फैसला कर लिया है। शुक्रवार को इसका नजारा भी दिखाई दिया जब ग्रामीणों ने एक पैंथर को देखने के बाद उस पर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वही पैंथर था जो 8 इंसानों को अपना शिकार बना चुका है। गोगुंदा तहसील में पैंथर का खौफ ग्रामीणों में इस कदर हावी है कि वे अब प्रशासन को पैंथर की सूचना देने के बजाय खुद ही हथियार उठाने को मजबूर है। यही वजह है कि ग्रामीणों ने शुक्रवार को एक लेपर्ड को देखने के बाद उस पर हमला करते हुए उसे कुल्हाड़ी से मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि ये लेपर्ड किसान पर हमला करने के बाद भाग रहा था। भागते लेपर्ड पर ग्रामीणों ने पत्थरों से हमला करते हुए उसे घायल करते हुए उसके बाद उस पर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए उसे मौत की नींद सुला दिया। हालांकि यह सवाल अभी भी बरकरार है कि 8 लोगों को मारने वाला आदमखोर पैंथर क्या यही था। ग्रामीणों ने किसान पर हमला कर भाग रहे लेपर्ड को घेर कर मार डाला। वन विभाग के अनुसार ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि ये वही आदमखोर लेपर्ड है जिसने गोगुंदा क्षेत्र में 8 से 9 लोगों को अपना शिकार बनाया था। शुक्रवार सुबह 3 बजे की ये घटना बताई जा रही है। घटना स्थल गोगुंदा के से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर सायरा थाना क्षेत्र की बताई गई है। जानकारी के अनुसार यहाँ के 55 वर्षीय देवाराम के घर में घुसे लेपर्ड ने पहले पाड़े में बंदी गायों पर हमला किया।
गायों के तेज तेज रंभाने की आवाज सुनकर बाड़े में पहुंचे किसान पर भी लेपट ने हमला कर दिया। उसके दोनों हाथों को भी जबड़े में दबा लिया और पंजों से भी कई बार वार किए। घायल देवाराम को नजदीक के हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां से उन्हें उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। देवाराम की हालत फिलहाल ठीक है, लेकिन डर के कारण वे कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि लेपट का शव देवाराम के घर के पास ही पड़ा मिला। लेपट के चेहरे पर बड़ा घाव है, जिससे लग रहा है कि किसी धारदार हथियार या कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया गया है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई भील स्कूटी वितरण और देवनारायण योजना के तहत उन बालिकाओं को स्कूटी देने की घोषणा की गई थी, जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% से ऊपर अंक हासिल किए हैं। छात्राओं को वितरित किए जाने वाली 600 से अधिक स्कूटियां कबाड़ होने की कगार पर है। प्रतिभावान छात्राओं को वितरित करने के लिए आई हुई ये स्कूटी बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर एक महाविद्यालय परिसर में खुले आसमान के नीचे पिछले 1-1.5 साल से पड़ी हुई है, लेकिन सरकार द्वारा हरी झंडी नहीं मिलने से इसका वितरण नहीं हो पाया है। स्कूटियां कबाड़ होने की कगार पर पहुंच रही है, लेकिन इन्हें पात्र छात्राओं को वितरित नहीं किया जा रहा है। वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते स्कूटी पात्र छात्राओं को नहीं मिल पा रही है, और उन्होंने बताया कि पात्र बालिकाओं को देने की बजाय कबाड़ बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने इन स्कूटियों को पुनः कंपनी में भेजकर नई स्कूटी लाकर छात्राओं को वितरित करने की मांग की है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे बांसवाड़ा जिले की समस्त बालिकाओं के लिए जो स्कूटी आई हुई है, जो पात्र बालिकाएं हैं, वर्तमान सरकार की लापरवाही की वजह से बांसवाड़ा जिले की बालिकाओं को ये स्कूटी का लाभ नहीं मिल पा रहा है और सरकार के बजट का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि वो स्कूटी पड़ी हुई है, वो स्कूटी कहीं ना कहीं जंग खा रही है, वो उनके पुर्जे सारे खत्म हो रहे हैं। आपकी जानकारी में डाल दें कि पिछली सरकार में हम विधायक थे, उस दौरान हमने इस स्कूटी योजना का नामकरण कालीबाई कलासुआ के नाम से स्कूटी योजना का नामकरण करवाया था हमने, ताकि बच्चियों में मोटिवेशन आए कि कालीबाई शिक्षा की देवी, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपनी जान गंवाई थी रास्तापाल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, तो बच्चों में पूरे राजस्थान की बालिकाओं में शिक्षा के प्रति एक जागृति आई, एक मोटिवेशन मिले, उस उद्देश्य से हमने कालीबाई स्कूटी योजना का नामकरण कराया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वर्तमान जिला प्रशासन और भजनलाल सरकार की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होने की वजह से आज बच्चियों को स्कूटी नहीं मिल पा रही है। बच्ची स्कूटी आ गई है, स्कूटी वहां पड़ी हुई है, वो धूल चाट रही है, लेकिन सरकार उन लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा पा रही है। तो मेरा विशेषकर सरकार से यही अनुरोध है कि पार्टी प्रचार में कम लग के राज्य की जो योजना है, उस योजनाओं को धरातल पे लागू करें और विशेषकर स्कूटी योजना में जल्दी से इसका समाधान कराए, और जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज स्कूटी जंग खा रही है, बालिकाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इन अधिकारियों पे कानूनी कार्रवाई हो, तो इस समझ में आएगा कि सरकार संवेदनशील है। और ये देखा गया है कि अधिकारी वर्ग काफी लापरवाह हो चुका है इस सरकार के अंदर, क्योंकि सरकार का ध्यान है ही समझ में ही नहीं आ रहा है उनको, हमको करना क्या है। तो मेरा विशेषकर सरकार से अनुरोध है कि जल्दी इस पे संज्ञान ले और स्कूटी वितरण नहीं होने के पीछे किन किन अधिकारियों की लापरवाही रही है, इन अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई करें और ये स्कूटी है वो वापस कंपनी में भिजवाए और नई स्कूटी लाके बच्चों को वितरण करें, क्योंकि ये स्कूटी वर्तमान में किसी काम की रही नहीं है, और जल्दी उनको लाभ दिलाए।
अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सारी बालिकाओं को एकत्रित करके भजनलाल जी सरकार के आवास के आगे भी धरना देना पड़े धरना देंगे, क्योंकि उन्होंने इतना नजरअंदाज कर रखा इस इलाकों को लेके। वोट बैंक के लिए आ रहे हैं लेकिन लाभ दिलाने की सरकार की योजनाओं को धरातल पे लागू कराने की किसी प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले में बोलते हुए जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि QR कोड नहीं आने की बात बताते हुए स्कूटी का वितरण नहीं होने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि पिछले सरकार के समय 3000 स्कूटियां यहां आई थी, इसमें से 1500 स्कूटी वितरित की गई, जबकि 1500 स्कूटी वितरित नहीं हो पाई है। इसके लिए उन्होंने बताया कि चुनावों के चलते ये काम रुक गया था, शीघ्र स्कूटी वितरित करने का काम किया जाएगा। इसकी नोडल अधिकारी हरदेव जोशी, कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरला पंड्या ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा अभी तक QR कोड जारी नहीं होने से इसका वितरण नहीं किया जा सका। जैसे ही सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो संबंधित छात्राओं को इसका वितरण कर दिया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65% और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड में 75% से अधिक अंक लाने वाली 500 से अधिक छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई है, लेकिन इससे भी कहीं अधिक स्कूटियां कबाड़ होने की कगार पर पहुंच गई है। इसकी जानकारी मिलने के बाद देखिए, बांसवाड़ा में 700 नहीं है, 1500 स्कूटी है। 3000 स्कूटी 2023 में आई थी, 1500 वितरण हो गई और 1500 अभी वितरण नहीं हुई है। इसके पीछे QR कोड जो जारी होता है वो नहीं हुआ। पिछली सरकार को ये करके उसी समय देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। हम सत्ता में आने के बाद में तुरंत लोकसभा चुनाव आ गए और अब ये स्कूटियां हैं, ये हम प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी महीने में बहुत जल्दी इनको वितरण करके उन बच्चियों को पहुंचाएंगे जिनको आवश्यकता है। देखिए, पिछली सरकार ने अपनी लापरवाही की है वो तो उनके खाते में जाएगा, अब हमारे समय में हम इनको वितरण कर रहे हैं। आप आगे चल रहे हैं, अभी साल भर नहीं हुआ है, 8-9 महीने हुए हैं और 3 महीने के हमारे आचार संहिता थी, इसके बाद में हमारे विधानसभा सेशन आ गया और अब हमने उनको निर्देश दे दिए हैं कि तुरंत इनको वितरण करना है और हो सकता है इस अगले सप्ताह में हम इनको वितरण कर दें। हमारा महाविद्यालय जिले का नोडल महाविद्यालय है, जिसमें कालीबाई भील स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरण का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत जो उनकी दस्तावेज हैं वो जांच का कार्य करके हम लोग आयुक्तालय भेजते हैं और वहीं से स्वीकृति आती है उनके वितरण कार्य के लिए। तो अभी जनवरी 2021 से यह जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है वह प्रारंभ किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन दो चुनावों में जो आचार संहिता लगी थी उसके अंतर्गत यह कार्य बंद कर दिया गया था और इसके बाद में अभी लोकसभा चुनाव के बाद में जो आचार संहिता के बाद में यह कार्य बंद था वह अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। वित्त विभाग के आदेश अभी दिए जाएंगे तब जाकर के ही यह कार्य प्रारंभ हो सकेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि वित्त विभाग के आदेशों के अंतर्गत QR कोड जारी कर दिए जाएं छात्राओं के लिए तो जल्दी ही हम उसे शोरूम में भिजवा करके और यह जो स्कूटी वितरण का कार्य है वह समय पर प्रारंभ हो सकेगा। भक्ति और शक्ति के पर्व नवरात्रि के अष्टमी के मौके पर शुक्रवार को शक्ति पीठों पर विशेष पूजा अर्चना के साथ ही हवन और यज्ञ किए गए, साथ ही कई स्थानों पर बालिका पूजन भी किया गया। हाथीपोल स्थित प्राचीन कालका माता मंदिर में भी हवन यज्ञ कर मां कालका की आरती की गई। अष्टमी के अवसर पर नीमच माता, कालका माता, अंबा माता सहित सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। उदयपुर शहर में रह रहे बंगाली समाज के लोगों ने बताया कि बंग भवन में पिछले कई वर्षों से लगातार बंगाली समाज द्वारा दुर्गा पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उदयपुर में रहने वाले बंगाली समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दुर्गा पूजन का समापन विधि विधान के साथ दशमी के दिन किया जाएगा। रात्रि के तहत बंगाली समाज की ओर से 5 दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। अष्टमी के दिन भोपालपुरा स्थित बंग भवन में अष्टमी पर होने वाली विशेष पूजन अर्चन किया गया। अष्टमी पूजन के दौरान सुबह विशेष पूजा अर्चना की गई और उसके बाद सांकेतिक रूप से बलिदान
किया गया और बलिदान कार्यक्रम के बाद भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। महाराणा सज्जन सिंह के समय कविराजा श्यामलदास जी जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे उनकी वाड़ी थी, उसमें ये मंदिर स्थापित हुआ था और उनके यहाँ से चले जाने के पश्चात, उनके परिवार के चले जाने के बाद ये वाड़ी जो सेल कर दी गई थी, उसके बाद ये मंदिर एक तरह से इस रास्ते से दब गया था। पिछले कुछ सालों से हमारे समाज के खास तौर से युवा वर्ग ने जो एक पहल की और वर्तमान में ये मंदिर देवस्थान विभाग के अंदर आता आ रहा है। ये रास्ता यहाँ पर था नहीं, इस वजह से यहाँ पर लोग आ नहीं पाते थे। पिछले कुछ सालों से जो प्रयास किए गए उसका आज ये परिणाम है कि ये मंदिर आज भव्य मंदिर सब लोगों के लिए खुला हुआ है। यहाँ पे नवरात्रि में 9 दिन तक प्रोग्राम होते हैं, प्रातःकाल आरती होती है, उसके पश्चात सायंकाल 6 बजे 6:15 बजे आरती होती है, चिड़जाओं का कार्यक्रम होता है और प्रतिदिन यहाँ पर अलग अलग विभाग जो हमारे समाज के चारण समाज के जो कर्मचारी है, अधिकारीगण है और जो भी व्यवसायी है और जो युवा साथीगण है, वो सब लोग मिलकर के प्रतिदिन अलग अलग अपने हिसाब से यहाँ पर कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं। और कल माताजी का जन्मोत्सव था, यहाँ पर एक केक काटा गया था और 125 किलो की लापसी का प्रसाद किया गया था। प्रतिदिन सायंकाल आने वाले सभी लाभार्थियों को, सभी दर्शनार्थियों को यहाँ पर सागर, जो क्योंकि 9 दिन ये समाज के लोग व्रत करते हैं तो सागर के रूप में उनको प्रसाद वितरित किया जा रहा है। आज यहाँ पर अष्टमी है माताजी की और दुर्गा अष्टमी के है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन यहाँ पर हवन का होगा और सभी समाज के और दूसरे समाज के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह से अभी यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, आगे के समय में दिन प्रतिदिन इसका जो है मान सम्मान बढ़ेगा और व्यापक प्रचार प्रसार होने से आम आदमी, उदयपुर के जो आम व्यक्ति है जो अभी तक यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं इस रास्ते के, उनको पता नहीं है, उन लोगों को भी ज्ञान हुआ है और वो निश्चित रूप से यहाँ पर आकर माता जी का दर्शन का लाभ ले पाएंगे, यही आज के दिन हम कामना करते हैं। अधिकांश लोग यहाँ पर आ पाएंगे। उदयपुर पुलिस ने अवैध गांजा परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करते हुए अवैध गांजा और एक स्कूटी को भी जब्त किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करते हुए मामले का अनुसंधान कर रही है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम एवं धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत मांडवा थाना अधिकारी राजेश शर्मा और उनकी टीम ने सूचना सहयोग के आधार पर बिकर्णी तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान बिकर्णी बाजार की ओर से आते समय स्कूटी सवार 2 युवकों को पुलिस ने रोका और उनसे पूछताछ की तो पुलिस को उनके पास से 2.800 किलोग्राम अवैध गांजा मिला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 27 वर्षीय पवन शर्मा निवासी कुंभानगर मस्जिद के पास जिला चित्तौड़गढ़ और 20 वर्षीय देवराज माली निवासी पावटा चौक मुंदड़ा की बाड़ी के आगे रामद्वारी के पास जिला चित्तौड़गढ़ को अवैध गांजा परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2.800 किलोग्राम अवैध गांजा और एक स्कूटी को जब्त किया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। गरबा पंडाल में माता के दरबार में लघु शंका मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर मधुमक्खियों ने किया हमला, आनंद फानंद में इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल। प्रतिभावान छात्राओं को वितरित करने के लिए आई स्कूटियां खुले में पड़ी, हो रही है कबाड़, मामला सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। और गोगुंदा के सायरा में पेंथर पर ग्रामीणों ने किया हमला, वन कर्मियों की लापरवाही आई सामने। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। SMB बिल्ड मार्ट सॉल्यूशंस, मजबूत इमारत के साथ मजबूत इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ड्यूरेबल सैनिटरी पाइप्स और ब्रांडेड बाथ फिटिंग भी जरूरी है। क्रॉम्पटन के पंखे और गीजर, GM के स्विचेस और लाइट फिटिंग और कजारिया की बाथ फिटिंग होलसेल और रिटेल रेट्स पर उपलब्ध। SMB बिल्ड मार्ट सॉल्यूशंस, दिल्ली गेट पुलिस कंट्रोल रूम के पास, उदयपुर। ये है चैनल 91+ नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91।
न्यूज 91 आवाज हम सबकी।